greetings to all my dear students so dear students as we have completed with the first type of tense that was present tense and there were four categories of present tense we have completed with that also so dear students if you have not seen any of my video related to present tense so you can go below on the description box and there you will find all four categories of present tense and your doubts will be going to clear

तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनेट और सिंपल पास्ट टेंस सो लेट्स बिगिन द पास्ट इंडेफिनेट और सिंपल पास्ट टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच टुक प्लेस इन दी पास्ट एंड हैज़ बीन कम्प्लीटेड बाय द टाइम ऑफ स्पीकिंग यहाँ पे ये बता रहा है कि पास्ट टेंस हमें बताता है सिंपल पास्ट टेंस हमें बताता है वो एक्शन जो हुआ तो पास्ट में था और वो पास्ट में ही ख़त्म भी हो चुका है इन दिस देर इज़ नो ऑगजिलरी वर्ब यूज इसमें कोई भी ऑगजिलरी वर्ब यूज़ नहीं होती जैसे कि मैंने आपको पहले प्रेजेंट टेंस में बताया था इज एम आर और यहाँ पर वॉस वर्ब भी यूज़ होगा बट नॉट हीयर कंटिन्यू में यूज़ होगा वो बट यहाँ पर कोई भी ऑग्जिलरी वर्ब यूज़ नहीं होंगी सिर्फ मेन वर्ब यूज़ होगी वो भी पास्ट फॉर्म में जो कि होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म ओके डियर स्टूडेंट सो लेट्स कम एंड सी फ्यू एग्जाम्पल्स एंड सेंटेंस फॉर्मेशन टू तो जैसा कि आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट सेंटेंस फॉर्मेशन अफर्मेटिव सेंटेंसेस तो इसमें क्या होता है कि पहले तो आपको लिखना होता है सब्जेक्ट जो कि आपको पहले से ही पता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं पास्ट फॉर्म ऑफ वर्क इट मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्क हियर इज रिटर्न और ऑब्जेक्ट अगर कोई है तो सो so, देखते हैं हमने सेंटेंस को कैसे फॉर्म किया हम बात करें द कैट की यहाँ जंप नहीं जम्प्ट आएगा बिकॉज सेकेंड फॉर्म ऑफ जंप विल बी जम्प्ड ओवर द वॉल ही प्ले नॉट प्ले प्लेड सब्जेक्ट है ही बॉय के बारे में बात कर रहे हैं प्ले play नहीं प्लेड बिकॉज सेकेंड फॉर्म ऑफ प्ले विल बी प्लेड फॉर मैनी आर स डी अब हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके के सेंटेंसेज को समझते हैं तो आइए देखते हैं नेगेटिव एग्जाम्पल नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज में आपको बहुत कुछ नहीं करना होता है सिर्फ आपको डिड नॉट पुट करना होता है जस्ट आफ्टर योर सब्जेक्ट ओके सो हियर इज टेंस फॉर्मेशन सब्जेक्ट डिड नॉट प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इफ एनी तो आपको बेटे ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपका सब्जेक्ट द कैट उसके बाद डिड नॉट यहां पर जैसे ही आपने डिड लगाया जस्ट आफ्टर पुटिंग डिड आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना कि सेकेंड जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जम्पड नहीं जम्प लिखा है ही डिड नॉट यहाँ प्लेड नहीं प्ले आएगा फॉर मैनी आर्स अ डि सो लेट्स है इंटेरोगेटिव पार्ट इंटेरोगेटिव पुट डिड इन दिड को स्टार्टिंग में लिखना है डिड द कैट और आपको जैसे कि बता ही रखा है मैंने कि जब डिड लगा दिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब ओवर द वॉल डिड ही प्ले फॉर मैनी आवर्स अडी इस ही तरीके से प्यारे बच्चों आपका पास्ट इनडेफिनेट और सिंपल पास्ट खत्म होता है सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक एज वेल एंड इफ यू रियली लाइक माई वीडियो सो जस्ट हिट द लाइक बटन हिट द बेल बेलाइकन सो दैट यू विल नॉट मिस एनी ऑफ माई कमिंग वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल एंड जस्ट लीव अ कमेंट थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बाय